आलोद में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने कहा कि कुपोषण हमारे समाज के विकास के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि बच्चे यदि बचपन में कुपोषण की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं तो उनका शारीरिक मानसिक विकास हमेशा के लिए बाधित हो जाता है। श्रीमती भेंडिया ने कहा कि हमारे आने वाले सुदृढ़ सक्षम एवं उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए हमारे नवनिहालों को कुपोषण की समस्या से पूरी तरह से निजात दिलाना आवश्यक है। उन्होंने इस कार्य में शत प्रतिशत सफलता के लिए समाज के सभी वर्गों के सहयोग को अत्यंत आवश्यक बताया। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती भेंडिया ने जिला प्रशासन द्वारा जिले में कुपोषण मुक्ति हेतु किए जा रहे सराहनीय प्रयासों की भूरी भूरी सराहना भी की। श्रीमती भेंडिया आज जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम सल्हाई टोला में जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जिला खनिज न्यास निधि से कुपोषित बच्चों को अंडा वितरण करके कर कार्यक्रम के शुभ अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त कर रही थी। श्रीमती भेंडिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष श्रीमती बसंती दुग्गा ने किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में कलेक्टर कुलदीप शर्मा, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती चंद्रप्रभा सुधाकर एवं श्रीमती करिश्मा सलामी, कृषि उपज मंडी बालौद के उपाध्यक्ष भोलाराम देशमुख, जनपद उपाध्यक्ष पुनीत सेन सहित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव, पीयूष सोनी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के द्वारा जिला खनिज न्यास निधि से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 वर्ष से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को सप्ताह में 5 दिन उबला अंडा प्रदान किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।